के जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया किसे किसी से जोड़ो ना, रहो सुरक्षित अपने घर में धैर्य का धागा तोड़ो ना, रहो सुरक्षित अपने घर में धैर्य का धागा तोड़ो ना। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आज आपके समक्ष कोरोना नामक महामारी के संबंध में ज्योतिषीय विवरण लेकर के विराजमान हूँ। लोग कहते हैं कि जब कोई समस्या अथवा कोई संकट आता है और वैज्ञानिक उसका जब कोई निदान अथवा कोई उपचार खोज लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में तो ये पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ये बात बाद में ना आए इसलिए मैं आपको इससे पहले ही अवगत करा देना चाहता हूँ। 29 अक्टूबर 2019 को शनि, गुरु और केतु एक साथ धनु राशि में गोचर कर रहे थे। ये तीन बड़े बड़े ग्रह जब भी एक साथ आते हैं कोई ना कोई विश्वयुद्ध अथवा कोई संकट अथवा कोई दुर्भिक्ष लेकर के आते हैं। इस बार इन्होंने इस महामारी को जन्म दिया और उससे ठीक दो महीने बाद 29 दिसंबर 2019 को शनि, गुरु और केतु के साथ सूर्य और बुध भी धनु राशि में आ गए। जब ये पांचों ग्रह एक साथ मिले तभी इस महामारी का विकास हुआ और उसके बाद आज ये महामारी हमारे और आपके समक्ष इस भयंकर रूप में उपस्थित है। आज से ठीक 5 दिन बाद 5 मई 2020 को शनि अपने स्वराशि मकर में बकरी हो जाएंगे और जब शनि बकरी हो जाएंगे तो और भी दुगनी तेजी से ये महामारी फैलने लगेगी। लेकिन ठीक 9 दिन बाद 14 मई 2020 को गुरु भी अपनी नीच की राशि मकर में बकरी हो जाएंगे और जब गुरु बकरी हो जाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं मिलेगी। ठीक 2 महीने बाद 15 जुलाई 2020 को गुरु मकर राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे और जब धनु राशि में गुरु जाएंगे वहां केतु पहले से ही होंगे और केतु गुरु मिलकर के इस बीमारी को, इस महामारी को फिर से पुनर्जीवित कर देंगे और ये महामारी फिर से नए नए रूपों में हमारे सामने आने लगेगी। और उसके बाद ठीक 20 दिन बाद 5 अगस्त 2020 को शनि भी अपनी स्वराशि को छोड़कर के धनु राशि में पहुंच जाएंगे और ये तीन ग्रह फिर से एक साथ होंगे, तभी इस महामारी का चरमोत्कर्ष देखने को मिलेगा, अति भयंकर रूप हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक 1 महीने बाद 3 सितंबर 2020 को केतु राशि परिवर्तन करके धनु से वृश्चिक में चले जाएंगे और जब केतु वृश्चिक में जाएंगे तभी इस महामारी की कोई ना कोई वैक्सीन अथवा कोई दवाई अथवा कोई उपचार मिल जाएगा और उसके बाद लगातार स्थितियां ठीक होने लगेंगी। उसके बाद 15 सितंबर 2020 को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियां और भी तेजी से सुधरने लगेंगी। उसके बाद 28 सितंबर 2020 को शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियां पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएंगी। ये पंचांगीय विवरण गणेश आपा पंचांग के गोचरानुसार लिया गया है। नमस्कार।